क्या बात है भैया? आपके नाम का अदालती नोटिस है बहन। अदालती नोटिस? जी। किसने भेजा है? सेठ अजीम ने। शुक्रिया। एक नीचा एक ऊंचा, ये दोनों कभी बराबर न होने पाए, यही हमारे कारोबार का उसूल है। जब तक ये कारोबार का उसूल कायम रहेगा, हम फूलते फलते रहेंगे। अल्लाह ना करे शेर साहब, अगर ये बराबर हो गए तो फिर हम बराबर हो जाएंगे। शेर जी, ये नोटिस भेजने की क्या जरूरत थी? मैंने आपसे 5,000 लिए हैं, 6,000 दे चुके हूँ, अब तो सिर्फ सूद के 1,300 बाकी हैं। तो क्या सूद के रुपए रुपए नहीं होते? सेठ साहब, मैंने कर्ज अपने लिए नहीं लिया था, अपने बेटे की पढ़ाई के लिए लिया था। अपने पेट काट काट कर उसे पढ़ाया है, इतने बरस अपनी आंखों से दूर इसलिए रखा कि उसे पता न चले कि उसकी माँ खुद भूखी रहकर और कर्ज ले लेकर उसे पढ़ा रही है। तो क्या उसने मैट्रिक पास कर लिया है? सेठ साहब, मेरा अकबर वकील बनकर आ रहा है। वकील? जी, आपकी दुआ से वकील बनकर ईद पर घर आ रहा है। ओह, तो अकबर वकील बन गया है। जी, मैं आपकी पाई पाई हाथ जोड़कर आपके कदमों में रख दूंगी। ये नोटिस वापस ले लीजिए। तो क्या तू अकबर के आने से पहले कुछ नहीं दे सकती? जी मालिक, मैं बहुत मजबूर हूँ। अच्छा साबरा, तो फिर हम ईद तक तेरा इंतजार करेंगे। तो इस नोटिस पर वापसी के 2 हरफ लिख दीजिए। तो क्या हमारी जबान लिखत पढ़त से कम है? कह जो दिया। अच्छा सेठ जी, खुदा आपके कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। आप हम गरीबों के लिए फरिश्ता है। सलाम सेठ जी। सलाम सलाम। शेर साहब, ये क्या, अगर आप हर एक पे इसी तरह रहम खाते रहे तो हम तो कौड़ी कौड़ी हो जाएंगे। अरे बेवकूफ, अगर उस वक्त मैं जिद करता तो हो सकता था वो कहीं से बंदोबस्त करके ला देती। मुझे उसका रुपया नहीं, उसका घर चाहिए। रुपया तो मेरे मकान की दीवारों में भरा हुआ है। बेटा, असल चीज जायदाद होती है, जायदाद। वाह सेठ जी वाह, आप भी रस्सी को खूब ढील देते हैं। वैसे एक बात का ख्याल रहे सेठ जी, कि उसका लड़का वकील बन के आ रहा है, कहीं वो हमें इन्हें कटहरे में खड़ा कर दे। उसके लड़के के आने से पहले ही उसकी जायदाद हमारे कब्जे में होगी। गुड मॉर्निंग सलमा बीबी। शट अप। हेलो जैज। जी जी रहो बेटी, ये क्या है? इट पर कॉलेज में मेरा डांस है ना, उसके लिए कॉस्ट्यूम लाए। कॉस्ट्यूम? ये क्या बला होती है? सेठ साहब, ड्रेस ड्रेस यानी कि लीड़े। इडियट, तू क्यों बोलता है रे बीच में? क्या पुराने कपड़ों से डांस नहीं हो सकता बेटी? कुल कितना खर्चा हो गया है? नथिंग डैड, कुल 1500। 15 रुपए 15 आने। 1500? 15 रुपए 15 आने? 1600 हो गया ना बेटी, ये खर्चा कौन देगा? कॉलेज देगा डैडी। ओ, कॉलेज देगा? तो बेटी और ले आती, मैं तो समझा था कि शायद। आप घबराइए नहीं डैडी, मैं सब खर्चा वसूल कर लूंगी। ओके बाय। जीते रहो, गाले देखा। बीबी जी, पहले छोटे साहब का कमरा साफ करो, उस वक्त तक आप चाय पी लीजिएगा। फिर वही बकबक, 100 बार तुझसे कहा है कि सबसे पहले मेरा काम होगा, देखती नहीं जूते कितने गंदे हो रहे हैं। बीबी जी, छोटे साहब का जो कमरा है ना,
वो इस जूती से भी ज्यादा गंदा है, अगर आप कहती हैं तो कराती हूँ। ओह गॉड, व्हाट नॉनसेंस। मेरा ख्याल है मुझे एक दिन तेरी पिटाई करनी पड़ेगी। जब से खाने को मिला है आंखों में चढ़ भी आ गई। जा जल्दी आ। छोटे बाबू का कमरा साफ करो। इस घर में काम करना है तो सबसे पहले मेरा काम होगा, चाहे छोटे बाबू हो या कोई हो, सबका काम बाद में होगा, समझी? दीदी जी, छोटे बाबू भी तो आपके छोटे भाई हैं, फिर आप उनसे इतना क्यों चिढ़ती हैं? शहरा, तेरी जुबान बहुत लंबी होती जा रही है, किसी दिन खींच कर हाथ में दे दूंगी। भाई हम तो इसीलिए बात ही नहीं करते कि कहीं हमारी जुबान भी खींच कर हाथ पे ना रहती जाए। भैया तुम भी आ गए हो इसकी हिमायत करना। ये दिन बदन काम चोर होती जा रही है। खबरदार नूरी, जो आइंदा काम चोरी की, सुन लिया? लो डांट दिया। भैया मैं सीरियसली कह रही हूँ, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ। आप तो वाकई सीरियस है, मगर इसमें इस बेचारे का क्या कसूर है? आपके तो काम ही खत्म नहीं होते, दिन में चार बार जूते में पालिश, छह बार मुंह में पालिश, कभी आपका पाउडर गुम, कभी आपके लिए। चुप रहो भैया, एक नौकरानी के सामने मुझे कोस रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? आज के बाद मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी। अरे सलमा, अरे बात तो सुनो। चली गई, तूफान आकर चला गया। नूरी जी, कुछ नहीं। छोटे सा, क्या बात है नूरी? कुछ नहीं, हा? कुछ भी नहीं नूरी। छोटे सा, ये आप ही का करम है, मेरा अकबर वकील बनकर आ रहा है, वरना मुझ जैसी बदनसीब एक वकील की माँ कहता है। लोगों की ईद तो कल होगी, मेरी ईद तो आज है। आज मेरा अकबर आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है। मेरा अकबर आ गया, मेरा अकबर आ गया। आ रही हूँ अकबर। और मुझ गरीब के घर मेरा बेटा भी अभी आने वाला है, आइए आप, मैं भी आई। आज से जी को मिठाई खिलाऊंगी, मेरा बेटा आ रहा है ना। आपने तो मुझे मोहलत दी थी। मोहलत दी थी लेकिन ईद तो कल है। अगर आज पैसे नहीं मिले तो कल हमारी ईद कैसे होगी? आवाज आओ। नहीं चाची, ऐसा जुल्म ना कीजिए, मुझे कल तक की मोहलत और दीजिए। कल ईद है ना, त्योहार के दिन मुझे घर से बेघर ना कीजिए। आवाज आओ। अच्छा, दो चार घंटे की मोहलत और दे दीजिए, मेरा अकबर आता ही होगा, उसके आते ही मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। चाची, ये घर मेरे सत्ताक की निशानी है, खुदा के लिए इसे मुझसे तो छीनिए। आवाज लगाओ, होते हमारा बोली पूरा 1,500, हमारी बोली 2,000। सेठ जी, एक घंटे की बोली दे दीजिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। सेठ जी, तेरे बेटे के इंतजार में हम अपनी ईद खराब कर दें? मालिक आ रहा है। अमीरों के खुदा, तू ही गरीबों का खुदा है, वहाँ खुशियाँ यहाँ आंसू, ये अंधेर क्या है अमीरों के खुदा। करो एक
दिन अपना भी जमाना आएगा। अरे जानी, तुम्हारे बचपन का दोस्त जानी। कौन, कैसे हो? आदमी तो पहले ही की तरह उल्टा हूँ, लेकिन बात सीधी कहता हूँ। तुम सुनाओ, इतने साल कहाँ रहे? मैं भैया लॉ कॉलेज में था, डॉक्टर फजल से वकालत की डिग्री मिली। तुम सुनाओ, तुम्हें भी कॉलेज जाने का बड़ा शौक? मुझे भी डिग्री मिल गई। किस कॉलेज में लिया था? भाई ये उल्टी सीधी दुनिया एक कॉलेज है, और सिखाने वाला तजुर्बा। मजिस्ट्रेट साहब ने मुझे डिग्री दे दी है और मैं पुलिस की लिस्ट में आ चुका हूँ। तुम भी जानी के जानी ही रहते। अच्छा भाई, खुदा खुदा। परदेसी बेटे, कल ईद का दिन है, घर घर में खुशियां होंगी, मगर तेरे घर की छोटी सी खुशी शेख अजीम से न देखी गई। उसकी दौलत की आंधी ने हम गरीबों की खुशियों का टिमटिमाता हुआ चराग बिगुल कर दिया। अकबर बेटे, तुझे नहीं मालूम, मैंने पिछले 10 बरस से साहूकार से कर्ज ले लेकर पढ़ाया था। उसने मुझे तेरे आने तक की मोहलत दी थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया और तेरे आने से पहले मेरे घर की कुर्ती लेकर आ गया। अकबर बेटे, मुझसे न देखा गया कि तू 10 बरस के बाद अपनी बूढ़ी माँ के पास आए और आते ही अपने बुजुर्गों की निशानी को इस तरह नीलाम होता देखे। आज मेरी लाश के सिरहाने बैठा तू ये चिट्ठी पढ़ रहा होगा। अच्छा बेटे, अब मैं जा रही हूँ। देखना बेटा, रोना नहीं, वरना मेरी रूह को तकलीफ होगी। आमा, तुम भी पढ़ले दर्जे के चुकंदर हो, ये छुरी क्यों तेज हो रही? तुम समझते हो मेरी माँ का खून इतना सस्ता है कि मैं खामोश रहूं? खामोश क्यों रहते हो? शोर मचाओ, छुरी तेज करो। कॉलेज से डिग्री लेकर आया है, लेकिन अकल टके की नहीं है। वकील साहब, छुरी तेज करने के बजाय दिमाग तेज करो। दिमाग दिमाग तो खो चुका है जानी, अब सीने में सिर्फ इंतकाम की आग भड़क रही है। तो क्या ये आग छुरी तेज करने से ठंडी हो जाएगी? तुम वकालत करके नहीं, झक मार के आए हो। माना कि तुम्हारी छुरी का वार सही बैठा और सेठ अजीम हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गया, तो क्या हुआ? क्या तुम्हारी माँ रिटर्न टिकट लेके गई है जो वापस आ जाएगी? दुश्मन पे वार करो तो हमेशा उसी के हथियार से। सेठ अजीम ने तुम्हारी माँ को छुरी नहीं मारी, सीने पे गोली नहीं मारी, गले में जहर नहीं उल्टा। सेठ अजीम ने तुम्हारी माँ को जलेबी खिला के मारा है। जाने इख्तियार करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, उसके अंदर के हैवान को मार दो ताकि वो इंसान बनकर जिए। ऐसा इंसान कि जिसके दामन पे किसी साबरा के खून का धब्बा ना हो, और मरे तो इस तरह के उस जैसा फिर इस दुनिया में कोई पैदा ना हो। उसके मरने से पहले दुनिया उसकी असली शक्ल देख ले। इंसानियत के माथे से ये बदनुमा दाग पहुंच दो। जॉनी, ये एमिनेशन फेंक दो। ये दुनिया है,
और मैं भी इस दुनिया में तुम्हारी तरह का एक सताया हुआ इंसान हूँ। लेकिन मैंने इस दुनिया का एक निजाम देखा है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, कबूतर पर बाज झपटता है, पैदल चलने वाले पे से कार गुजर जाती है, और कार में बैठा है कौन? जनाब साहूकार सेठ अजीम साहब। वाह मेरे मौला, क्या दुनिया बनाई है। लेकिन तुम्हें इस हिसाब किताब से क्या, तुम्हारे सर पे तो खून सवार है। जानी मैं किसी का खून करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। मैं तड़प रहा हूँ, झुलस रहा हूँ, मेरे सीने में मेरी माँ की याद आग बनकर सुलग रही है। मैं इस आग को कैसे बुझाऊं? मुझे कौन इंसाफ देगा? किसके दरवाजे पर जाओ? Thank you.
धोखे की तलाश में। सेठ साहब, वकीलों के रजिस्टर में नाम दर्ज कराने के लिए रुपए कहां से लाऊं? मुझे आपकी हालत पे अफसोस आता है, लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि आपकी तालीम के मुताबिक मेरे पास कोई जॉब खाली है। मेरी तालीम पर बिल्कुल ना जाइए, मुझे कोई भी काम दे दीजिए वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। लेकिन मिस्टर, मुसीबत यह है कि मेरे पास तो क्लर्क की भी आसामी नहीं, मेहनत मुशक्कत का काम है और वो करना आपके लिए कुछ मुनासिब नहीं, लेकिन करना चाहूँ तो शौक से करूँ। ठीक है सेठ, करूँगा। तेरा इंसाफ मजलूमों के किस दिन काम आएगा, भला इंसान पर इंसान कब तक जुल्म ढाएगा, किसी का बेकफन लाशा ये तुझसे पूछता है, वहाँ खुशियाँ जहाँ आंसू, ये अंधेरे क्या है अमीरों के खुदा। अमीरों का लहू सोना, गरीबों का लहू पानी, यहाँ आबादियों के साए में पलती है वीरानी, बना के इस जहाँ को किस जहाँ में खो गया है, वहाँ खुशियाँ यहाँ आंसू, ये अंधेर क्या है अमीरों के खुदा। बसी पर तह तह दुनिया लगाती है, हमारी जिंदगी से मौत भी दामन बचाती है, मिली किस जुर्म की हम बेगुनाहों को सजा है, वहाँ खुशियाँ ये अंधेर क्या है अमीरों के खुदा, तू ही गरीबों का खुदा है, वहाँ खुशियाँ यहाँ आंसू, ये अंधेर क्या है अमीरों के खुदा। इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा, जो कुछ करना है आज ही कर डालो। तुम फिक्र न करो बिल्ले, आज वो बच कर नहीं जाएगी, ऊपर ना क्या होगा, जान साथ तो बचोगे। अगर आप ना आते तो ये गुंडे मुझे जरूर ले जाते। बस बस, आगे आप यही कहेंगी ना कि मैं किस जबान से आपका शुक्रिया अदा करूं। पुरानी बात है, हमारा तो रोज का यही धंधा है, आसपास के लोगों की मदद करते। अबे जाने क्या बकवास कर रहा है, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं छोड़ दूं, मेरे पास गाड़ी है। अरे आप ये क्या कह रही हैं,
गुस्सा खा जाएगी। मेरी बात तो सुनिए। आइए आइए, ये है मेरे बॉस नवाब अकबर अली। हर वक्त इसी लिबास में गरीबों की मदद के लिए फिरते ही रहते हैं। देखिए मोहतरमा, आप इसकी बातों में ना आइए, ही वैसी बकवास कर रहा है। आप शायद भूल गई आपको कहीं जाना था, इसकी बातों में लगी रही सारी रात यही हो जाएगी। वाकई मुझे बहुत देर हो गई, डैडी सब परेशान होंगे, लेकिन मैं आपको अपने डैडी से मिलवाना चाहती हूँ। हम तो अभी चलने के लिए तैयार है, चलो बस चले। बेजानी क्या बकवास है, आप जाएं जी फिर कभी सही। जी अच्छा, तो फिर मैं सुबह अपने घर में इंतजार करूंगी, पता दे देती। लड़कियों के घर जाने के लिए हम डरते हैं। आप कल 10 बजे कंपनी बाग में आ जाइएगा, मैं नवाब साहब को भेज दूंगा। जी अच्छा, आप जरूर आइएगा। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। गड़बड़ कर दी ना, जरा कान इधर लाइएगा थोड़ा सा। अगर हमारा लिबास, तुम फिक्र ही ना करो, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। साबिरा के साथ कारोबार में 2000 रुपए का खसारा रहा। नहीं सेठ जी, मेरी किताबों में तो मुनाफा है। 5000 उसे कर्ज दिया था और 7000 वसूल पाए। अबे तू किताबों में मुनाफा लिखने वाला कौन? इनकम टैक्स मैं दूंगा कि तू? कारोबार की बात करी डैडी, आपको तो हर वक्त कारोबार की परी रहती है। पता है आज मेरे साथ क्या हुआ है? क्या हुआ? मैं कॉलेज से आ रही थी कि गुंडों ने मुझे पकड़ लिया। वो तो खैरियत हुई कि 2 शरीफ आदमी मेरी मदद को पहुंच गए और आपकी इज्जत बच गई। खुदा खैरत करे इन गुंडों को और उन शरीफ आदमियों को इस नेकी की जजा दे। बेटी मुझे उनसे जरूर मिलवाना, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। सिर्फ शुक्रिया डैडी, कोई इनाम वनाम नहीं? सलमा बीबी, सेठ साहब उनका शुक्रिया अदा कर दे तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा इनाम है, वो तो खुश किस्मत है। मुंशी जी, तुम भी छुट्टी करो जी, हमेशा के लिए, रात भर के लिए। सुबह जल्दी आना। शुक्र है आपने मेरी तो जान निकाल देते। बेटी आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। मगर वो क्यों डैडी? इतनी बुरी खबर सुनने के बाद भी मैं तुम्हें कॉलेज जाने दूं? उन बदमाशों का क्या भरोसा, यानी किस वक्त? बाबा तत कह दिया, कॉलेज जाना बंद। डैडी देर हो गई। कोई बात, आप तो बहुत इंतजार करना पड़ा। दरअसल बात ये है, डैडी ने मुझ पर पाबंदी लगा दी है। पाबंदी? वो क्यों? वही गुंडों के डर से। डैडी ने मेरा कॉलेज जाना, घर से अकेले निकलना सब बंद कर दिया है। आपको क्या मालूम मैं कितनी मुश्किल से यहाँ आई हूँ। वैसे सलमा तुमने कुछ अच्छा नहीं किया। यही क्यों लड़के अपने माँ बाप की बात नहीं मानते? अभी तक लड़की को काबू में नहीं कर सका। मैं ड्राई क्लीन वाले से कब तक झूठ बोलूंगा? मुझे ही कोई स्कीम बनानी पड़ेगी, वरना ये तो बेड़ा गर्क करके बैठ जाएगा। इतना बड़ा हो गया मगर अपने पैरों पे न खड़ा हो सका। अरे जॉनी, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। न मालूम तुम क्या कर रहे हो, मैं एक भोली भाली लड़की को धोखा नहीं दूंगा। लेकिन भाई ये दुनिया है, यहाँ थोड़ा बहुत धोखा चलता है। लेकिन मैं किसी को धोखा देकर अमीर नहीं बनना चाहता। मुझे वो दौलत नहीं चाहिए कि बाद में जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़े। लेकिन भाई थोड़ी, लेकिन कुछ नहीं, मैं भी जाके ये ड्रामा खत्म किया। कमाल है, हम इनके भले की सोच रहे हैं, ये हमारे ड्रामे के पीछे पड़ गए। तुझको तो करार आ गया है, मुझे
करने मेरा प्यार आ गया है दिल बेकरार तुझको तो करार आ गया है मुझे बेकरार करने मेरा प्यार आ गया है दिल बेकरार तुझको दिल झूमने लगा है दिलदार आ गया है मुझे बेकरार करने मेरा प्यार आ गया है दिल बेकरार तुझको दिखाई दे रहे हैं सलमा मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ मुझे पता है तुम जो कहना चाहते हो यही ना कहे नहीं 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 तुम नहीं जानते जॉनी ने तुमको मुझसे मिलने के लिए मना किया है लेकिन जो कुछ मैं जो कुछ कहना चाहते हो फिर कह लेना पहले मेरी बात तो सुनो जब से तुमने जान बचाई डैडी तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है कल वो तुमसे मिलना चाहते हैं लेकिन तुमने मुझे आज तक अपना पता नहीं बताया हमारा पता तो बहुत आसान है अजीम मंजिल गुलबख्ती अजीम मंजिल क्या नाम है तुम्हारे डैडी का सेठ अजीम क्यों क्या बात है क्या कल तुम नहीं आओगे जरूर अब तो जरूर आऊंगा अरे जॉनी जॉनी मार लिया मैं तुम से मारते रहे हो मैं तो शेर मारने का मंसूबा बना अरे अब मैं भी शेर मार के दिखाऊंगा जानते हो सलमा कौन है कोई शेर की बच्ची तो नहीं है अगर शेर की बच्ची होती तो उस दिन गुंडों का चीर फाड़ के रख देती वो सेठ अजीम की बेटी है तो गोया लूमड़ की बेटी है अब मेरी माँ का खून रंग लाएगा बेटी का हाथ पकड़कर बाप की गर्दन तक बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकता है देखो प्यारे अमीरों का खून करने के लिए सोने का खंजर चाहिए हमारा दुश्मन सेठ अजीम है और हम अजीम करके दौलत और मुफलिसी का क्या मुकाबला लेकिन दौलत की खातिर हम कहीं डाका तो नहीं डाल सकते लेकिन अपनी जेब की सफाई तो कर सकते हैं मैं तुम्हारे लिए ये जॉनी पैलेस बेच दूं
लेकिन जाने मैं इतना खुद गर्व नहीं कि अपनी तरह तुम्हें भी बेघर कर दूं। घर वाले का एक घर और बेघर के 100 घर, ये जानी पहले जरूर बिकेगा। नहीं जानी, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तो फिर मैं इसे आग लगा दूंगा। वो घर जो जरूरत के वक्त दोस्त के काम ना आ सके, उसे आग ही लग जाना चाहिए। लेकिन जानी, दिलबर जानी, ये रोमांस का वक्त नहीं है। हमारा दुश्मन सेठ अजीम है, और मेरा तो उसूल है दुश्मन की दीवार को गिरा दो, चाहे उसके नीचे खुद ही दबके क्यों ना मर जाओ। तुम्हारे उसूल भी तुम्हारी तरह है यार। ये लीजिए छोटी बीबी जी, चाय तैयार है? जी सब कुछ तैयार है। यानी 2 आदमियों के लिए ये खर्चा? अरे मैं तो 20 आदमियों पे ये खर्च ना करूं। शेर साहब, जिन्होंने इतने गुंडों को मार मार कर भुरकस निकाल दिया, माशाल्लाह वो खाते भी तो इतना ही होंगे। मुंशी जी, मैं तुम्हारा मुंशी हूँ कि तुम मेरे मुंशी हो? जी मैं तो पैदाइशी मुंशी। हेलो सलमा। वो आगे। हेलो अकबर। हेलो। प्लीज कम। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो। वालेकुम सलाम। जीते रहो। बैठ, मैं उसे कहो वो चाहे ले आए, पहले कुछ खा ले, उसके बाद बातें होंगी। दरअसल शेर साहब, गुजारिश थी, मुझे जरा जल्दी जाना है। मेरे फॉर्म का एक अमेरिकन पार्टनर आया हुआ है, उसे 1,000,000 रुपए का सौदा करना है। अगर मैं ना गया तो नुकसान हो जाएगा। मगर साहब, दरअसल हम लोग इतने बिजी हैं कि सर खुजाने के लिए भी एक नौकर रखा हुआ है। हम फिर आएंगे, या आपको अपने यहाँ खाने पे इनवाइट कर लेंगे। अब आप बुलाएं या ना बुलाएं, वैसे हम तो इस इतवार आपके यहाँ खाना खा रहे हैं। कहीं मंजूर है? जी बिल्कुल मंजूर है। तो फिर हमें इजाजत दें। अभी तो आए जी, कम से कम चाय तो पीकर जाइए। हम लोग चाय नहीं पीते हैं, कॉफी पीते हैं। सर आप लेट हो रहे हैं। चलो चलिए, मैं आप लोगों को छोड़कर आती। चलिए साथ ही चलिए। ना ना, एक डेढ़ हफ्ता ठहर जाओ। सलाम। लड़के के बारे में क्या ख्याल है? बहुत अच्छा ख्याल है शेर साहब। गालिबन इनका खजूरों का कारोबार है, तभी तो लड़का अरबों और फलस्तीनियों की बातें करता है। अबे गधे, ये फलस्तीन अरबों की नहीं, वो करोड़ों वाले अरबों की। वैसे इतवार को इनके यहाँ खाना खाने जरूर जाएंगे भाई, को फल फ्रूट का घाटा तो पूरा हो। हाँ, हुई ना कारोबारी बात। चलो जाओ, गड़बड़ मत कर देना। अरे आइए 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 सेठ साहब। सेठ साहब, सेठ साहब तशरीफ लाए। तशरीफ लाए, कैसे हैं आज? आइए आइए, क्या तशरीफ लाए? बैठ बैठ, आधा बैठ, आधा बैठ, आधा बैठ। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। बैठे भाई लड़के। माशाल्लाह, जैसे सुना था वैसे ही पाया जी। जैसे नहीं भाई, देखो ट्राली पे लगा के चाय लाओ, कुछ फ्रूट लाओ और बिस्कुट वगैरह लेकर आओ। और क्या बात करते हो? साहब मंगवाओ, मंगवाओ शारदा भी मंगवाओ। लड़के, खान साहब का चरदा बनाओ। भाई कराने वाला, कराने वाला, जल्दी लेकर जाओ जाओ। और कैसे बिरयानी आपका? इसमें बिरयानी क्या है? माफ कीजिए, मैं अभी बताता हूँ। हेलो जी। जी हाँ हाँ भाई, तो मैंने तो कहा था कि 5 लाख का ऑर्डर बुक कर दीजिए। हाँ ठीक है, टेलीफोन करते मैनेजर को, वो चेक भिजवा देते हैं। ओके। हाँ तो आपने क्या फरमाया थे? आप कश्मीर गिरानी बेटा? जी मुझे अकबर कहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, माफ कीजिएगा, मैं अभी आ गया। जॉनी। यस सर। मेरे साथ साहब, अगर हमारी सलमा का रिश्ता इस लड़के से हो जाए तो मेरी दौलत तो दुगनी हो जाए। सरकार को लाखों का व्यापारी मालूम होता। और खान साहब, उस पे लुटती बात यह है कि लड़का लाखों में है। बिस्मिल्लाह कीजिए, बिस्मिल्लाह। माफ कीजिएगा, मैं जरा कारोबारी मसलों से। लाओ भाई लाओ, चाय लाओ, जल्दी करो। बेटे, अगर तुम सचमुच मेरे बेटे बन जाओ तो मुझे बड़ी खुशी हो। आप क्या फरमा रहे हैं? मैं तो हूं ही आपका बेटा। जैसे आप फरमाएंगे वैसे ही करो। सलामत रहो। आदत आदत मनुष्य आदत। भाई तुम्हें जरा चाय बनाओ। यस सर। अरे साहब, ये क्या तकलीफ है फजूल? ये तो फजूल तकलीफ क्या है? जी जनाब, पान का जायका, मुंह का जायका बदल लूंगा बस थोड़ा। क्या सोच रहे यार? क्या बताऊं, सोच रहा हूं। देखो किस्मत का भी अजीब चक्कर।
मैं अपने ही दुश्मन का दामाद बन गया जबकि मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं। सही, मुझे तो दिन रात तुम्हारे मकान की फिक्र लगी है। नहीं नहीं, तुम मेरे मकान की फिक्र ना करो, हाथ पांव मिलाओगे सब ठीक हो जाएगा। आज उधर भी जाना है। अरे गुड गुड गुड, सुनो मेरे ध्यान में एक तरकीब आई है। जीते रहो जीते रहो। अरे देखो कितनी अच्छी छड़ी है, कभी काम आएगी। लकड़ी की। बेटे ये क्या कह रहे हो, ये तो बूढ़ों का सहारा है, जवानों को छड़ी से क्या काम। नहीं नहीं सेठ साहब, बूढ़ों के भी काम आ सकती है, जवानों के भी काम आ सकती है। देखो शरीर कहीं का। अरे ये मेरी गद्दी है। गद्दी? गधाई इन द हाउस? गधी नहीं, गद्दी गद्दी। अच्छा वो गद्दी जिसपे अंकल बैठ के कारोबार करते हैं। ये देखना भाई, नाप तोल का नया निजाम। अरे एक तरफ को जा रही है, इसे बैलेंस करो। बेटे ये बदशगुनी नहीं करना, ये हमारे कारोबार के असूल की निशानी है, जब तक ये उसूल कायम रहेगा हम फूलते फलते रहेंगे। तेरी सूरत, तेरी आंखें, तेरे आरज, तेरे होठ कैसी अनजानी सी मासूम अदा करती है। आप कब आए? मैं भी आए, तो कितना अच्छा शेर पढ़ रही थी तुम, पर इस शेर का तुमसे बड़ा ताल्लुक। ये गजाली आंखें, ये कुंदन सा बदन, ये दमकता हुआ चेहरा, मालूम होता है सारा कमरा ही रोशन हो गया। आप कितनी गहरी बातें करते हैं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं कुएं खोदता रहूं। अरे हाँ मुझे याद आया भाई, वो तमाम मेरे दोस्त इसरार कर रहे हैं कि शादी का डिनर दें, और उसमें मेरे ख्याल से कम से कम 5,000 रुपया खर्च होगा। मुझे नींद आ रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हें नींद आ रही? और देखो हाँ, हमारे यहाँ ये रिवाज है कि लड़की का बाप डिनर देता है। कल मैं डैडी से कह दूंगी। नहीं नहीं, कल तो बहुत दूर है, कल कमाई है, और जब तक ये काम नहीं हो जाता मैं तो चैन से सो भी नहीं सकता। इस वक्त मैं 5,000 रुपए कहाँ से लाऊं? अपने बाप से। जानती हो एक बड़ा ही खूबसूरत जोड़ा था, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते, लेकिन अचानक उनमें एक मुसीबत आ गई और फिर दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। समझी, तुम मुझसे शादी करने की रिश्वत मांग रहे हो। आ गई ना घटिया बातों पर, आखिर सेठ अजीम की बेटी, रिश्वत सूदखोरी इन लफ्जों के अलावा कुछ नहीं आता। तुम मुझसे झगड़ा करना चाहते हो? देखो बात को तूल देने की कोशिश मत करो, मुझे सिर्फ 5,000 रुपए चाहिए। डैडी से जाकर मांग लो। डैडी से काय के लिए मांग लो, बीवी की मौजूदगी में दामाद सुसर के आगे हाथ नहीं फैलाता। मर्जी हो तो खुद ही जाकर मांग लो, मैं नहीं मांगूंगी। अगर नहीं मांगोगी तो मैं भी तुम्हें देख लूंगा। ये ऊपर गड़बड़ कैसी है? रोमांस इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, और आगे आगे देखिए होता है क्या। अजी होता क्या है, हमारा इस घर में गुजारा नहीं हो सकता। अरे भाई अगर घर छोटा है तो बड़ा घर लिए देते हैं। अंकल आप इन्हीं से पूछे क्या बात है। क्या बात है बेटे? ओ जी बात क्या होती, मैंने समझा था कि मैं एक बहुत बड़े रईस की बेटी से शादी कर रहा हूँ, मुझे कुछ फायदा होगा, हम आपका के लिए 5,000 के लिए बेइज्जती हो गई। अंकल आपके पास 5,000 टूटे हुए होंगे? जी मेरा मतलब है 5,000 के लिए ताजे ताजे दामाद को नाराज नहीं करते। दरअसल हमारे बॉस के बहुत बड़े बड़े लोग जाने वाले हैं, डिनर देना जरूरी है, फिर आपके भी दोस्त होंगे, शहर के बड़े बड़े रईस, अफसर, जिमीदार, थानेदार, जिलेदार, जमादार, ईमानदार, कितने बड़े बड़े दार इस सुएदार में शामिल होंगे, और नाम किसका होगा? अंकल का। बेटे 5,000 में ये नाम महंगा है, कोई सस्ती तरकीब नहीं हो सकती? फिर उन्हें सबको बुला के तंदूर पे बिठाए देते हैं। 5,000 में बेटी का सुख महंगा नहीं है। जाने आया बॉस, आप भी नाराज हो रहे हैं। आ रहा हूँ, पैसे लेके आ रहा हूँ।
चलिए साहब आप वक्त ना बर्बाद कीजिए, सिर्फ 5,000 के लिए परेशान किया हुआ। अच्छा हाँ जल्दी कीजिए, टाइम नहीं है, अगर बीच में साले गड़बड़ की तो मारूंगा। एक जल्दी हो जाने। अरे क्या शोर मचाया बॉस, वो शरीफ आदमी लेके आ रहे हैं 5,000 रुपए। लाइए साहब। ये ले बेटे, नए नए नोट है। बेटा तू बड़ा अच्छा बेटा है, 4,000 में काम नहीं चल जाएगा। देखिए जी, 4,000 और 5,000 में क्या फर्क पड़ता है। सलाम अलैकुम। 5,000 5,000 का पहले ही घाटा हो गया, 5,000 कैसे पूरे होंगे। इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आया, मेरे ख्याल से बरखुरदार कुछ करेक्टर के ढीले हो गए। हर जाने, तुमने मुझे अपनी घरवाली समझा हुआ है क्या? इतनी रात हो गई मैं खाने को पंखा चल रहा हूँ। अरे मुबारक हो तुम्हें, मुझे नौकरी मिल गई है। चलो कुछ एडवांस भी लाए। महीना खत्म होगा तो तनख्वाह मिलेगी। यार मैं दुकानदारों से कब तक झूठ बोलता रहूंगा। अरे एक महीने की तो बात है, एक हफ्ते में गुजर जाएगा और तनख्वाह मिलते ही मैं अपना नाम वकीलों की लिस्ट में रजिस्टर कर। ठीक है, तुम वकालत करना। टेलीफोन का बिल 25 रुपए। ये तो किसी दुश्मन की शरारत लगती है शेर साहब। हालांकि हमने आज तक कभी फोन किया ही नहीं, सिर्फ सुनते रहे हैं, और आपके जितने पैगाम होते हैं वो तो मैं पाप ज्यादा चल के दे के आता हूँ। हैरानी की तो यही बात है कि सिर्फ सुनने का बिल 25 रुपए। शेर साहब आपका सितारा ही गर्दिश में है। एक बात कहूँ लेकिन डर लगता है। वो क्या? सलमा बीबी की शादी के कारोबार में भी आपको खसारा हुआ है। सुना है सलमा बीबी 1 महीना और यहाँ रहेंगी। अबे 1 महीना क्या, सारी उम्र यहाँ रह सकती है। मैं तो कहता हूँ लड़का भी यही रहे। लड़का भी रहे, ये कैसा कारोबार है शेर साहब? अबे मुंशी तू नहीं समझेगा, लड़का यहाँ रहेगा तो उसकी दौलत भी यहाँ रहेगी, और उसकी दौलत यहाँ रहेगी तो मेरी दौलत में इजाफा होगा। बेटा मैं कबाड़ी से सेठ बना हूँ समझे। वाह सेठ जी वाह, मान गया हूँ तुम्हें। तेरी तस्वीर में एक बात तुझसे भी निराली है, न भैया है न भाभी है न सला है न साली है। वाह 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 वाह, मुबारक हो तुझे, मैं एक मुकदमा जीत गया। बहुत अच्छा हुआ। क्यों तुझे खुशी नहीं? अरे बेटा क्या मकान बेच के तुझे इसीलिए वकील बनाया था कि तू अपना मुकदमा छोड़कर दूसरों के मुकदमे लड़ता रहे। सेठ अजीम को भूल गए क्या? सेठ अजीम को मैं कैसे भूल सकता, वो तो मेरी माँ का कातिल है। इसीलिए बहुत दिन से उसके यहाँ नहीं गया। चलो चले। क्या करेंगे वहां? मेरे जहन में एक स्कीम है, ऐसी स्कीम के सेठ अजीम के हाथों के तोते उड़कर चिड़िया घर में पहुंच जाएंगे। अच्छा ले मैं तैयार हूँ, चल कपड़े बदल लो। बीबी जी चाय पी लीजिए ना। मुझे चाय नहीं सहन चाहिए। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, पी लीजिए ना चाय। मैं पहले से परेशान हूँ और तुझे खाने पीने की पड़ी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ आपको क्या चाहिए। क्या जानती हूँ? आपके वो है ना नाराज रहते हैं ना हर वक्त, सीधे मुंह बात नहीं करते, बात भी कैसे करें, आपको मनाने का तरीका भी तो नहीं आता ना। हाँ हाँ तरीका तो सिर्फ तुझे ही आता है, बड़ी सियानी है ना, जरा देखो तो मनाने का तरीका क्या होता है। बताओ बीबी जी, बड़ी आसान बात है, जब जब वो आपके सामने आएंगे ना तो बड़े आराम से सर पर दुपट्टा रख लीजिएगा, फिर थोड़ा सा मुस्कुरा कर आंखें नीचे कर लीजिएगा, फिर कहिएगा आदाब। समझ गए आप? हाँ हाँ समझ गए, जैसे कोई नई बात बताई। आगे बोल। जब वो कमरे में दाखिल हो जाएंगे ना तो बड़े प्यार से उनका कोट उतारिएगा, जब वो बैठ जाएंगे तो आराम से बैठ के उनकी टांग पकड़ के जूती उतारिएगा। समझ गए आप? सीधी सी बात है। ये तो बड़ी सीधी सी बात है, आगे बोल। फिर उनके सामने खड़े होकर यूं कहिएगा, आपके लिए चाय लाऊं? अगर वो हाँ कह दे तो ले आइएगा, अगर वो इनकार कर दे तो कहिएगा आप बहुत थके हुए मालूम होते हैं, आपको मेरी कसम आपको चाय जरूर पीनी पड़ेगी, अगर वो फिर भी इनकार करते तो कहिएगा आप चाय नहीं पीते तो दूध पी लीजिए, सादा पानी पी लीजिए, कुछ ना कुछ जरूर पी लीजिए। मैं सब समझती हूँ, बड़ी आई सिखाने वाली, मैं देख रही हूँ तू बहुत बढ़ती जा रही है, फिर अगर इस तरह जुबान चलाई ना तो।
आराम से सर पर दुपट्टा रख लीजिएगा, फिर थोड़ा सा मुस्कुरा कर आंखें नीचे कर लीजिएगा, फिर कहिएगा आदाब, तो बड़े प्यार से उनका गोद उतारिएगा। आदाब? क्या ये चक्कर क्या है यार? है? जब वो बैठ जाएंगे तो आराम से बैठ के उनकी टांग पकड़ के जूती उतारिएगा, समझ गए आप? नहीं 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 नहीं, ये नाजुक हाथ जूते उतारने के लिए नहीं। मैं आपके लिए चाय लाऊं? है? ठीक है, आप तो बहुत थके हुए मालूम होते हैं, आपको मेरी कसम चाय नहीं तो थोड़ा सा दूध ठंडा कुछ तो जरूर पीजिए। बोलो 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 ना, समझा? सिखाने वाले ने इससे ज्यादा नहीं सिखाया या समझने का मौका नहीं मिला? अकबर, आखिर तुम मुझसे खफा क्यों रहते हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम मेरा बिगाड़ भी क्या सकते? शादी से पहले क्या था, शादी के बाद क्या? मैं ना जानती थी कि तुम इतने फरेबी हो। क्या कहा? मैं फरेबी? हाँ हाँ, तुम फरेबी हो, तुम चीट, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर डाली। मैं तब रहा हूँ वरना सवाल खींच लूँगा। ये मेरे बाप का घर है, यहाँ तुम इतनी जुरत नहीं कर सकते। जुरत? तुम जुरत देखना चाहती हो? ऊपर बाजी क्या आ रही है? मिस्टर का अटैक मालूम होता है। अरे ये तो अपनी सलमा की आवाज है। मेरे ख्याल से आइटम बम का तजुर्बा कर रहे हैं, जाइए जाकर बचाइए। तुम भी साथ चलो। नहीं नहीं, अब्बास के घरेलू मामलात में सेक्रेटरी नहीं बोल सकता, जाइए सेठ साहब मदद को पहुंचिए। कुछ नहीं है जी, मियां बीवी का झगड़ा है। अकबर, आखिर तुम इस पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? देखें सुसर जी, अगर कोई किसी को जुल्म करने पर मजबूर करे तो जुल्म करने वाले पर आप इल्जाम नहीं दे सकते। डैडी? कोई डैडी नहीं, जब खामिन खड़ा हो तो कोई डैडी वैडी नहीं होता, ये हमारे यहाँ का रस्म रिवाज है। तो इसका मतलब है तुम इसकी जबान को ताला लगा देना चाहते हो? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। अच्छा, अगर आप ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे तो संभालिए इस खूबसूरत जानवर को। मैं चला। इसने हमारी इज्जत पे हाथ डाला है, हम इसको बिल्कुल ठीक करेंगे। ठीक करने का ये ठीक तरीका है, इनके घुटने के पास चले, तमाम शिकायतें करेंगे कि ये शराबी है। बिल्कुल शराबी है, शराबी कबाबी शराबी। और वो पिस्तौल नहीं, तुम्हारे पास पिस्तौल नहीं, ना हो कहीं वहाँ भी आ जाएंगे लेके चलेंगे। अबे अब क्या होगा? होना क्या है? अपने शतरंज पर सेठ अजीम एक बाजी और हार गया, अपनी इज्जत। मगर हमारी भी तो इज्जत गई, हम वकील हैं दूसरे। हमारी क्या इज्जत, फुटपाथ पे सोते थे, चने खाते थे, बीड़ी पीते थे, इज्जत तो गई सेठ अजीम की। सुना नहीं बाजार वाले क्या कह रहे थे? अबे ये देखिए क्या औरत, ये असलम है, यहाँ क्या कर रहे हैं रात को? किसी जरूरी काम से आया होगा। अच्छा छुप के देखते। अलीजा माफ कर दीजिए अपने कनीज को। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलता। फिर अपने आप को कनीज का? ओ भूल हो गई, अब मैं तुम्हारी कनीज नहीं, रानी। अच्छा तो रानी आओ हमारे साथ यहाँ। पहले मेरा काम तो छोड़ो। अच्छा तो उस दिन वाली कहानी सुनो। तो सुनो, एक बियाबान जंगल में एक राजा का महल था और उसमें एक तालाब था।
तालाब? हाँ तालाब जैसा कहिए। अच्छा तो फिर वहाँ एक नौजवान लड़का और एक खूबसूरत लड़की। लड़की? हाँ लड़की। कैसी थी वो लड़की? बिल्कुल ऐसे। आगे क्या हुआ? दोनों बिल्कुल पास पास बैठे। बिल्कुल पास पास? बिल्कुल पास पास। फिर भी कितने? बिल्कुल इस तरह। फिर क्या हुआ? तो जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? खूंखार भेड़िए, सुन मेरे एक तरकीब समझ में आई है। ब्याज के कितना है? 2000 हुजूर। और गंगू की तरफ से? गंगू 200 रुपए दे गया। हेलो जी सेठ साहब, लीजिए। हाँ सेठ अजीम बोल रहा हूँ। क्या? अच्छा अच्छा तो फिर भेज दो। हाँ मुंशी जरा ये हुक्का तो ले जा। आप कुछ ठंडा या गरम पिएंगे? जी नहीं। आज शेख साहब खाते पीते घराने के फर्द है, कुछ ना कुछ तो पी के आए होंगे। पोचे देखो शेख साहब, आपके लाडले जोई ने सारे मोहल्ले में गर्मी फैला रखा है। हजूर जब देखिए शराब, जब देखिए कबाब, शरीफों का घरों से निकलना तक दुश्वार कर रखा है। शराबत की भी कोई इंतहा होती है सेठ साहब। कमला क्यों खाते आप? जा ये मैं पहले भी सुन चुका हूँ। देखो सेठ साहब, अगर आपने उसको ना समझाया तो सारे बाले में खून खराबा हो जाएगा। खाचा बजा फरमाते हैं हजूर। देखिए ना, अगर आप उनको अभी से नहीं समझाएंगे तो आइंदा चलकर वो आपके लिए नुकसान का बाइस हो सकते हैं। क्यों खाचा? बिल्कुल बिल्कुल। लीजिए अकबर साहब तशरीफ ले आए। चलो चलो चलो, हमको आपकी तारीफ रहे थे बापू जी। आप ही क्या, सारा मोहल्ला मेरी तारीफ कर रहा है और मुझ पर लानत भेज रहा है। मुझे एक आवारा बदमाश और शराबी का सुसर कह रहा है। मुंशी अपने सेठ से कहो कि हमारे दिल को ठेस न पहुंचाए। सेठ जी, साहब जी का दिल बहुत नाजुक है। भगवत मुझे मालूम नहीं था कि मेरी इज्जत और दौलत यूं बर्बाद होगी। तुम्हारी इज्जत को सेठ साहब मैं बर्बाद नहीं कर रहा हूं। ये आग आपके अपने घर से भड़की है। मुझ पर एतराज करने से पहले अपने बेटे का ख्याल कीजिए। खबरदार जो मेरे बेटे का नाम लिया। तुम्हारा बेटा? अरे छोड़िए बॉस, हम किसी के बीच में कांटा क्यों बने। हालांकि मगर फिर प्रॉब्लम यह है कि अंकल की इज्जत का सवाल है, वरना हमारी तरफ से असलम मैत्रानी से शादी करे, नौकरानी से करे, हमें क्या? हमें क्या जी? क्या ये सच है? छोड़िए अंकल, बच्चा है और फिर बच्चों से गलती तो हो ही जाती है। मैं पूछता हूँ क्या ये सच है? मैं आपके सामने झूठ बोल सकता हूँ? ये सच है। लेकिन मैं किस तरह यकीन कर लूँ? अंकल आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा, फिर तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। चलिए मेरे साथ और खुद अपनी इन गुनाहगार आंखों से चलकर देख लीजिए। चलिए मैं आपके सामने झूठा नहीं बनना चाहता, आइए। आपके दम से ही इस दिल में चराग है। आपके दम से ही इस दिल में चराग है। तू सुर्ख गुलाबों की
गुलाबों के उसने कमल का हो शहजादी हो ख्वाबों के उसने कमल का हो शहजादी हो ख्वाबों के मगरूर न हो जाऊं इतना हसी न कहो मगरूर न हो हटा के आंचल जरा चांद को शर्माना रुख से हटा के आंचल जरा चांद को शर्माना छोड़ो हमें जाने दो छोड़ो हमें जाने दो को बचाने दो दुनिया की नजरों से दामन को बचाने दो ओ, 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 ओ दिल दिल पे फिदा होंगे दिल दिल पे फिदा होंगे जब तक दुनिया है हम तुम न जुदा होंगे जब तक दुनिया है हम तुम न जुदा होंगे गा बेटा गा मेरी इज्जत की बोली जोर जोर से लगा अंकल हीरो हीरोइन डुएट गा रहे हैं चिरागा हो रहा है चिरागा मेरी इज्जत को खाक में मिला रहा है कमबख्त अब्बा जी का बच्चा तो भाई इस तरह कहां से सीखा तुमने यहाँ तो शादी की तैयारियां हो रही हैं आप इस मल्हार को अंकल दीपक में बदल दीजिए शादी एक मालिक की और नौकरानी से शादी हालांकि बच्चू अगर आज तेरे इश्क का भूत ना उतारा तो मेरा नाम भी सेठ अजीम नहीं है यू आर राइट अंकल चिरागा तुम शायद अंकल के जूते का साइज भूल गए हो चलो आओ घर बच्चू छोटे बाबू नूरी प्यार की आग धमकियों के पानी से नहीं बुझती असलम ये तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है मैं इम्तिहान से नहीं डरता तुम नौजवान हो और एक अमीर बाप के बेटे देखना बाप की दौलत और जायदाद तुम्हारे रास्ते अलग न करते मुझे दौलत की कोई परवाह नहीं शायद दुनिया बड़े छोटे का सवाल उठाकर तुम्हारे रास्ते में दीवार खड़ी कर दे मैं अपने प्यार के रास्ते में आने वाली हर दीवार गिरा दूंगा शाबाश असलम अगर तुमने ऐसा कर दिखाया तो दुनिया में इंसानियत और सच्चाई का नाम रोशन हो जाएगा दुनिया तुम्हें अजीम समझेगी चलो मेरे साथ कम ऑन सब खुदा का मेरा बेटा और नौकरानी फिर क्या डूब मरने का मुकाम है कैसा अंधेर है बेहयाई की इंतहा ऐसे चीज बच्चे को तो सबक सिखाना चाहिए ऐसा सबक सिखाऊंगा कि बेटा उम्र भर याद रखेगा करे बिल्कुल ठीक इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है मगर गई भी इज्जत हासिल नहीं कर सकता और फिर आप जैसा खानदानी आदमी सच ग्रेट मैन हालत तुम ठीक कहते हो जॉनी लीजिए वो आ गए जूलियट के कदिन तुम है तेरे ये करतूत कान खोल कर सुन ले अगर इस घर में रहना है तो उस नौकरानी से प्यार करना छोड़ दे उसका प्यार मेरे दिल से कोई नहीं निकाल सकता क्या कहा देखा
देख लिया अंकल, ये हैं नए जमाने के महिवाल और इनकी नूरी मॉडर्न सोनी। अबे मोहब्बत ही करनी थी तो अपने बाप के खानदान का तो ख्याल किया होता, इश्क भी किया तो एक गरीब भूखी नंगी नौकरानी से। अरे अगर इश्क ही करना था तो किसी ऊंची कोठी की आया से कर लेते। मैं गरीब और अमीर को नहीं मानता, दुनिया में सब इंसान बराबर है। अबे तेरे मानने या न मानने से क्या होता है, हम जो मानते हैं, तेरे डैडी जो मानते हैं, क्यों? बिल्कुल ठीक है असलम, जरा ठंडे दिल से मेरी बात सुनो। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं नूरी का प्यार छोड़ दूं तो मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। सुन रहे हैं नालायक, तू हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में नहीं मिला सकता। अगर आपको अपने खानदान की झूठी इज्जत अपने बेटे से ज्यादा प्यारी है तो मुझे भी अपना प्यार प्यारा है। मैं ये घर छोड़ सकता हूँ लेकिन अपना प्यार नहीं छोड़ सकता। अबे जा जा, बहुत देखे तेरे जैसे घर छोड़ने वाले, हमारे अंकल को डराता है। ये सब गीदड़ भपकियां हैं, दोस्त में ना आइएगा। एक बार फिर सोच ले असलम। मैं सोच चुका हूँ। क्या कहा? तो फिर दबा हो जा मेरे घर। आज से तू मेरा बेटा नहीं है और आप इसके बाप नहीं है। निकल जा यहाँ से। मैं कहता हूँ इसी वक्त निकल जा। नहीं चलेगा। सब्र कीजिए, ये तो आवारा बच्चे हैं, आते जाते रहते। मगर साहब एक बात का पता चल गया, आपकी रगों में 100% खानदानी खून है। हालांकि तुम्हें मेरी कसम है असलम, रुक जाओ। क्या हुआ जो मैं तुम्हारी ना हो सकी? तुम अपनी नई दुनिया बसा लो और सेठ जी की बात मान लो, मैं फिर भी खुश रहूंगी। जिंदगी भर तुम्हारी नौकरानी कहलवाने में ही मेरी खुशी है। मुझे तुम्हारे दीदार के सिवा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए छोटे बाबू। मैं इतना बेवफा नहीं कि बाप की झूठी जिद के लिए तुमसे किनारा कर लो। मुझे जिंदगी से लड़ने दो, मैं कहीं नौकरी कर लूंगा और फिर हम अपनी छोटी सी दुनिया बना लें। लेकिन छोटे बाबू, अब मैं नहीं रुक सकता नूरी। मैं इतना बुजदिल नहीं जो जिंदगी का सामना ना कर सकूं। पहुंच डालो यहां से और मुझे मुस्कुराते हुए रुखसत करो छोटे बाबू। परदेश जाने वालों को आंसुओं का तोहफा नहीं दिया जाता। मुस्कुराओ, हंसो नूरी, तुम्हारी हंसी मेरी हिम्मत बढ़ाएगी। हंसो, हंसो, हाँ हाँ हंसो। शाबाश, तुमने मेरी मंजिल आसान कर दी। घबराना नहीं, मेरे पीछे एक बार तुम्हारा ख्याल रखेगा। हाँ, खुदा। मुझे नूरी का दूसरा बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगर उसे खत्म कर दूं तो रास्ता साफ हो जाएगा। नूरी को खत्म कर दो, नूरी को खत्म कर दो। अंकल आप हंस रहे, मैंने तो आपको कोई लतीफा भी नहीं सुना है। मैंने उन्हें सब कुछ समझा दिया। बिल्कुल आराम से वहां चल जाओ, ये खत उसे दे देना, वो तुम्हारा काम करेगा। घबराना बिल्कुल मत, ठीक है? अच्छा सुनो, ये पैसे अपने पास रखो, जरूरत पड़े तो इसको खर्च करो। बाबूजी रहने, नहीं नहीं रखो, चल चलो चल। अकबर ने भेजा है, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो बहन, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भाई। मेरी बेटी मिल गई डॉक्टर, मेरी बेटी रानी, रानी बेटी मिल गई।
डॉक्टर नहीं नहीं मेरा नाम तनूरी है। नहीं बेटी रानी, देखो ना डॉक्टर मेरी बेटी पागल हो गई है, अपने बाप को नहीं पहचानती। डॉक्टर इसे जल्दी से इंजेक्शन लगा दो वरना ये खुद को भूल जाएगी। देखो ना डॉक्टर जल्दी करो ना डॉक्टर। नहीं नहीं मैंने अभी ठीक देता हूँ, आप थोड़ी देर के बाद जाए। अच्छा जुल्फी जी डॉक्टर साहब को 5 मिनट का टाइम दे दो। बहुत अच्छा सर साहब। नूरी क्या कहा? इसका नाम नूरी नहीं रानी है, रानी। बहुत बेहतर सर साहब, आप थोड़ी देर के बाद जाए। क्या नाम है भला? रानी। रानी डॉक्टर साहब बहन, सेठी बहन एक सैनी मरीज है और अगर तुम मेरा साथ दो तो उसका इलाज हो सकता है। असल में उसकी एक जवान लड़की थी जो मर चुकी है, अब उस हद तुम्हें अपनी लड़की से मिलने लगा है। मेरी ख्वाहिश है कि तुम उसकी बेटी बनकर उसे साथ रहो। लेकिन डॉक्टर डरो नहीं, सेठी बहन जितना नेक आदमी है उतना अमीर आदमी भी है, तुम वहां बड़े आराम से रहोगे और तुम्हारी बदौलत ने काम भी पूरा हो जाएगा। जैसे आपकी मर्जी डॉक्टर भैया, अगर मुझ दुखिया की वजह से किसी को सुख मिल जाए तो मुझे क्या इतराज हो सकता है। शुक्रिया बहन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। क्या हुआ डॉक्टर? आपकी बेटी ठीक है सेठ, मैं भी इसको इंजेक्शन लगा देता हूँ। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। लेकिन एक शर्त है। क्या 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 क्या? आपको हर बात इसकी मर्जी के मुताबिक करना होगा। करूंगा करूंगा करूंगा। अगर आपने ऐसा ना किया तो ये मर जाएगी। मर जाने दो, मर जाने। मेरी बेटी मर जाएगी। नहीं डॉक्टर इसे जीने दो, इसे 1000 बरस तक जीने दो डॉक्टर। रानी इधर आओ। आज बेटे आज मिले बेटे, तुम्हें तुम्हारा बाप बुला ले और दो। डॉक्टर डॉक्टर देखो मेरी बेटी पागल है, इंजेक्शन लगा दो। डॉक्टर जल्दी करो जल्दी। हाँ पहले आप ठीक है, पहले मुझे लगा दो, लेकिन लेकिन मेरे बाद तुम्हें लगवाना पड़ेगा टीका। टीका लगवाना पड़ेगा। कमाल है अभी तक नहीं आया। हेलो जानी। हाँ गुड इवनिंग बॉस। कौ क्या खबर लाए? रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, बेटे की जुदाई के बावजूद सेठ अजीम की टह नहीं गई। अब हमें इसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। ये बात है, ठीक है फिर। अगर मैं वहां से सलमा को ले आऊं तो? वाह वाह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ लो ठीक है, कल ही ले आता हूं। वहां मत गए, वो असलम की कुर्सी इधर। बेचारा असलम, न मालूम उसे एक वक्त की पेट भर के रोटी भी नसीब होती है या नहीं। सेठ साहब अगर आप जल्दी ना करते तो हो सकता है वो इस घर से जाता ही नहीं। इस घर में रहकर हमारे माथे पे बदनामी की स्याही मल देता, एक जरीन नौकरी से शादी कर लेता और गली गली हमारी इज्जत को नीलम करता फिरता। ऐसा ना कहो सलमा, आखिर वो तुम्हारा भाई है। जहन्नुम में जाए ऐसा भाई। सेठ साहब आप मेरी बीवी को मेरे सामने नहीं डांट सकते। क्या कहा? तुम्हारी बीवी है तो मेरी भी तो बेटी है। मुझे होगी आपकी बेटी, कमाल है। मेरी बीवी और मुझे से मैं हूँ, दूसरा चला नहीं रहते ही नहीं है। चलो उठो। अरे कैसे नहीं जाओगी? तुम इसको यहाँ से नहीं ले जा सकते। मैं इसको यहाँ से ले जा सकता हूँ, देखता हूँ कौन रोकता है। उठो जी चलो मेरे साथ, कहती है नहीं जाऊंगी। चलो खबरदार अकबर, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। यहाँ क्या कर रहे हैं अंकल? छोड़ो। अरे ये कोई चिड़िया मारने वाली बंदूक तो नहीं है? क्या हुआ, बात क्या बात है? बात क्या होती, आज से मैं और सलमा इस घर में नहीं रहेंगे। मैं ये नहीं होने दूंगा। अंकल ये अलगोजा तो छोड़िए। ऐसा जरूर होगा, मैं और सलमा अपनी दुनिया अलग बसाएंगे। अगर तुम इसके बगैर नहीं रह सकते थे तो तुमने मेरी शादी क्यों की थी? अगर तुम इसे अब घर में हफ्ता बत्ता नहीं देख सकते तो संभालो अपनी बेटी को, मैं हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार हूं।
इसकी बातों में आकर इसके साथ मत जाना बेटी। देखो सीमा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ तुम मुझे बहुत चाहती हो। क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगी? आज मेरी और तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है सीमा। मैं देखना चाहता हूँ आज तुम खामिन का साथ देती हो या अपने बाप का। फैसला मैं तुम पे छोड़ता हूँ। रुक जाओ बेटी। आप ही ने तो अकबर से मेरी शादी की थी, अब चाहे आपकी नजर में कैसे ही क्यों ना हो डैडी, मेरे सर की ताज है। खामिन का साथ देना बीवी का फर्ज है। अब मेरा जीना और मरना इन्हीं के कदमों में। थैंक यू। ठीक बोलियो। वालेकुम सलाम। सब मेरे अंकल को छोड़कर चले गए, मगर मैं अपने अंकल को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने अंकल को नहीं छोड़ूंगा, हालांकि बाबा के आराम का वक्त हो गया। देखो शकील, ये नौजवान कौन और क्या चाहता है? अजनबी क्या चाहती? सच्चा प्यार और दिल का सुकून, जो मुझे बड़े बड़े बंगलों, लंबी कारों और दौलत के ढेरों में ना मिल सका। सच्चा प्यार और दिल का सुकून दौलत से नहीं मिलता बेटे, तुम्हें इसके लिए झूठे सहारे को छोड़ना होगा। मलंग बाबा का मतलब है तुम्हें माँ बाप, दौलत और दुनिया के सब ऐशो आराम छोड़ने होंगे। क्या ये कुर्बानी दे सकोगे? मैं तो सब कुछ पहले ही छोड़कर आपकी कदम बोसी के लिए हाजिर हुआ। देखो शकील, हमने इसे अपना मुरीद बना दिया। उस्ताद जी, मेरी बेटी को सारे गामा से लेकर पादा नीसा तक सब सुर सिखा दीजिए। जी आप फिक्र ही ना कीजिए, कसम है सरगम की, अगर आपकी लड़की के गले में सातों सुर ना उतार दूं तो बसंत बहार नाम ना। आज ही छेदी छेदी करें, बाहर रंगेजी पढ़ाने वाला भी बड़ा काला पिया हुआ है, उसने क्यों लेने के लिए जाना है लेन में लग के। तू बीच में मत बोला कर, जल्दी से चाय ले क्या कीजिएगा। आपने कोई लड़की को फांसी पढ़ाने वाला नहीं रखा? रखेंगे, वो भी रखेंगे, वो भी रखेंगे। आप शुरू कीजिए। अच्छा अभी शुरू करता हूँ। शुरू हो जाओ भाई। Ha ha ha!
घंटी बज गई है। बज गई बेटी, घंटी बज गई है, रोने का वक्त खत्म हो गया बेटी। क्या बात है बहन, क्या हुआ? मुझे छोटे बाबू की याद आ गई थी। ओ, तो ये छोटे बाबू की याद में रोना धोना हो रहा है। अच्छा सेठ जी, आप इंजेक्शन ले लें। नहीं नहीं नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं लूंगा। अगर आपने इंजेक्शन ना लिया तो आपकी बेटी भी वापस चली जाएगी। चली जाए, चली जाए, चली जाए। बेटी वापस चली जाएगी। लगाओ जल्दी, जल्दी जल्दी लगाओ इंजेक्शन, मेरी बेटी वापस चली जानी चाहिए। किस जुबान से आपका शुक्रिया अदा करूं डॉक्टर साहब? आपकी दिन रात की तवज्जो ने मुझे नई जिंदगी दी है। शुक्रिया की हकदार तो मुझसे ज्यादा अनोखी बहन है सेठ जी। अरे बेटे, ये तुमने छीट के कपड़े क्यों पहन लिए? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई किताब की जिल्द होती। बेटे ये मुझे कपड़े अच्छे नहीं लगते। जाओ बेटे, इसको तब्दील करके आओ। चलो, ये मेरे कपड़े हैं सेठ जी। ठीक, मैं इन्हें पहनकर आपके यहाँ आई। हाँ सेठ जी। जी बेटे, अब आप खुदा के फजल से बिल्कुल ठीक हो। अब मैं जा रही हूँ। बेटी, तू मुझे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन कहाँ? उन्हें ढूंढने जाऊंगी, न जाने वो कहाँ और किस हाल में होंगे। मुझे डॉक्टर साहब ने सब कुछ बता दिया है बेटे। तुमने मुझ बदनसीब को नई जिंदगी दी है। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम ही मेरी रानी बेटी हो। घबराओ नहीं बेटे, मैं तुम्हारे छोटे बाबू को भी ढूंढ निकालूंगा। सिर्फ एक बार मुझे बाबा कह के मेरे सीने से लग जाओ बेटे, मैं तमाम दुनिया की खुशियां समेट कर तुम्हारी झोली में डाल दूंगा। सिर्फ एक बार मुझे पापा कह दो बेटे, सिर्फ एक बार। बाबा, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। सलमा, बात बताओ, तुम्हें ये जिंदगी अच्छी लगी ना? अब्बा, तुम्हें क्या मालूम कि औरत का असल रूप मुझे कितना अच्छा लगा है, इस तकलीफ में कितनी राहत है, इसका अंदाजा करना मुश्किल है। लेकिन हम यहाँ कब तक रहेंगे? तुम मुझे अपने घर कब ले जाओगे? घर? हाँ? अच्छा अच्छा अच्छा, समझा। मेरा तुम्हारा मकसद है वो हमारे बंगले में। देखो डियर, जब तक तुम उस घर के काम की एक एक चीज यहाँ नहीं सीख जाती, हम वहाँ नहीं। कौन है भाई? ठहरिए, हम वहाँ नहीं जाएंगे। तुम ये छीलो और जरा वो देखो, धुआं उठ रहा है, उसे फूके मार। चल ना। आइए अंकल, बड़े जमाने बाद गरीब खाने का ख्याल आया है। मिस्टर अकबर, अंकल के एक साहबजादी हुआ करती थी जिनसे आपने शादी की थी। जी जी, तो अंकल अपनी दुख्तर बेहद नेक अख्तर से मिलना चाहते हैं। जरूर मिले। सलमा, देखिए आपके डैडी आपसे मिलने आए हैं। माशाल्लाह, क्या चेहरा निखर के आया है साहब। घर में नौकर नहीं है बेटे। जनाब, मैं जो हाजिर हूँ, मैं इस घर का मालिक भी हूँ और आपका खादिम भी। हाथ कितने काले हो गए, दिल उतना ही सफेद हो गया। ये दिल पे आप कौन सी क्रीम इस्तेमाल कराते हैं? सफेद बन। आखिर तुम इस पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? आप फिक्र न करें जैसे, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। मैं खूब जानता हूँ, तुम्हारा चेहरा बता रहा है तुम कितनी खुश हो। तुम इससे डर कर झूठ बोल रही हो और तुम जरूर मुझसे कोई बदला ले रहे हो। मैं तुम्हें देख
लूंगा अच्छी तरीके। अरे चाय तो पीते जाइए आप लोग, नहीं पियेंगे, तुम्हारे घर की चाय भी काली हो भाई आपके लिए। मैं क्या हो गया तुम लोगों को? सुकून की राह दिखाते मुड़ा, तुमने जो कुछ देखा है अपनी अंधी आंखों से देखा है। अंधेरों में रहने वाले हमारी पान तामनी पे शक ना करो, हमारे कदम से डरो वरना जलाकर राख कर दूंगा। और मैं आज इस दुनिया को तुझ जैसे फरेबी शैतान और दगाबाज से पाक कर दूंगा। होश करो लड़के, तुम यहां खाल पहन रखी, तुम जैसे लोगों ने मजहब की आड़ लेकर मजहब को बदनाम कर दिया है, इसीलिए तो लोग मजहब से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हें अपने सच्चे मजहब और सच्चे बुजुर्गों को बदनाम करने की मोहलत नहीं दूंगा। Thank you.
ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा लड़का तो नहीं। अरे मेरे बेटे को फांसी हो जाएगी, मेरे इकलौते बेटे को फांसी हो जाएगी। संभल, घबराने की कोई बात नहीं है। या अल्लाह, अगर मुझे ये दिन दिखा रहा था उससे पहले मुझे मौत देनी होती। अंकल अंकल, मेरे जहन में एक तरकीब आई है, मैं उसे बचा सकता हूँ। बचा सकते हो? हाँ। बेटे, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं ऊंट पर तुम्हारे पाल दो दो कर पीऊंगा। अंकल, मेरा एक दोस्त बहुत बड़ा वकील है, खून के मुकदमों का एक्सपर्ट, उसने कई आदमी फांसी के तख्ते से उतारे हैं। हालांकि अरे अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बेटे, फीस कितनी लेता है? और कुछ नहीं, बहुत ही मामूली सी, सिर्फ 50,000। 50,000? सिर्फ 50,000। 50,000। सेठ जी जा रहे हैं। सेठ जी जाए सेठ, मेरा बेहोश हुआ, आपका नहीं, मैं तो रहूंगा। अबे जा जा के गिलास पानी ला। अंकल वापस आ जाइए। अंकल ये लीजिए। अंकल वापस। 50,000 जी, सिर्फ 50,000। 50,000 अंकल, बेटे की जिंदगी के लिए 50,000 कोई चीज ही नहीं है। दे दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए। अच्छा, जो चाहो करो। असलम को मेरे सीने से लगा दो, मुझसे मेरा बेटा मिलवा दो। आप फिक्र ही ना करें अंकल, अपने भतीजे में कॉन्फिडेंस रखें, सारा मामला साफ हो जाएगा, सारा मामला बिल्कुल साफ हो जाएगा। आड़ा, आड़ा। डॉक्टर, क्या आप बता सकते हैं कि मरहूम मलंग बाबा के पेट में किस चीज का जख्म था? जी हाँ, एक बहुत बड़ा चाकू उनके पेट में घुसा हुआ था। चाकू? क्या आप इस चाकू को पहचानते हैं? जी हाँ, यही वो चाकू है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू मैडम। डॉक्टर साहब, मैं मालूम करना चाहता हूं कि मक्तूल के पेट में लगे हुए चाकू की पोजीशन क्या थी। जी, चाकू मलंग बाबा के पेट में इस तरह से घुसा हुआ था। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि मलंग बाबा ने ये चाकू खुद अपने हाथ से मारा? जी हाँ, हो सकता है। आपका मकसद है उसने खुदकुशी की? जी हाँ। थैंक यू, थैंक यू। मैंने आपसे क्या अर्ज किया था? 50,000 तो ऐसे वकील के लिए कुछ भी नहीं है, 50,000 का तो इंसान पान खा के थूक देता है। हालांकि दूसरा गवाह मिस्टर शकील, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? जी हाँ।
ये मलंग बाबा का खूनी है। मौका है वारदात पे तुमने मुलजिम को किस हालत में देखा था? ये मलंग बाबा के पेट पर सवार था और चाकू से वार कर रहा था। फिर तुमने क्या किया? मैंने शोर मचाया और लोगों ने आकर इसको पकड़ लिया। That's all. Thank you, my lord. आपका नाम? शकील। मिस्टर शकील, मुलजिम का कहना है कि उसने मलंग बाबा को एक लड़की के साथ रंगरलिया मनाते देखा था। ये झूठ है, वहाँ कोई लड़की नहीं थी। यानी आपने लड़की को नहीं देखा? जी नहीं, मुलजिम सफेद झूठ बोल रहा है। लेकिन मुलजिम कहता है कि उसके पास ये तस्वीर है उस लड़की की जो उस वक्त वहाँ मौजूद थी। जरा इस तस्वीर को खोल कर देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए। क्या पॉइंट तुम्हारा? ऑर्डर ऑर्डर। तब्दीली एजेंट्स और कमरा अदालत में। ये लड़की शकील नहीं, शकीला है। शकील ने आईने में शकीला को देखा और चकरा कर गिर पड़ा। मिलार्ड, यही वो लड़की है जिसको उस मनहूस रात असलम ने उस मलंग के साथ रंगरलिया मनाते हुए देखा था। वो कोई असली दुर्वेश नहीं, एक बदमाश था जो सादा दिल लोगों को लूटता था। मिलार्ड, अब मैं अदालत में मौजूद फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट से चंद सवाल करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। क्या आप बता सकते हैं कि जिस खंजर का आपने मुआयना किया उस पर किसकी उंगलियों के निशानात थे? उस पर मरहूम मलंग बाबा की उंगली के निशान थे। क्या उस पर मुल्जिम के उंगलियों के निशानात भी थे? जी नहीं। मिलार्ड, जरा गौर फरमाए कि जिस खंजर से मलंग बाबा को कत्ल किया गया उस खंजर पर मुल्जिम की उंगलियों के निशानात तक नहीं। लॉर्ड, मैं अदालत आलिया से दरख्वास्त करूंगा कि वो मुल्जिम असलम को हालात और वाकयात की रोशनी में बाइज्जत तौर पर रिहा करें। थैंक यू। फैसला आइंदा तारीख पर सुनाया जाएगा। अब जीत का इम्कान है, फांसी का भी इम्कान है। वैसे दोनों बातें हो सकती हैं, बचत भी है। शेख साहब, अब असलम बेटे को आया ही समझिए, लेकिन आप मेरे साथ एक वादा करें कि असलम बेटे के बरी होते ही सबसे पहले आप मेरे घर पे तशरीफ लाएंगे। अल्लाह आपकी जबान मुबारक करे। आमीन आमीन। जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहिए। आइए। मालदार मालूम होता है। बहुत ही रईस आदमी है जी, और एक अदद बेटी के मालिक भी है, और वही सारी जायदाद की वारिस होगी। बीमार रहते हैं, किसी वक्त भी मर जाएंगे। मैं तो कहता हूँ अगर असलम का रिश्ता इस घर में पक्का हो गया तो आपकी मौत के बाद दोनों बच्चे बहुत सुखी रहेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन अगर असलम ना माना तो? कैसे नहीं मानेगा, वकील साहब को मैं भेजूंगा असलम के पास, असलम को वकील साहब मना लेंगे, बात पक्की हो जाएगी। अगर ऐसा हो जाए तो मैं आपका बड़ा मशकूर होगा। आप फिक्र ना कीजिए, मैं तो आपका खादिम हूँ, आपका भतीजा। हालांकि असलम, तुम कानून की नजर में बेगुनाह साबित हुए हो, इसलिए अदालत तुम्हें बाइज्जत तौर पर बरी करती है। दोस्ती है अजब दुश्मनी है,
ओ जालिम जमाने ये क्या दिल लगी है, अजब दोस्ती है अजब दुश्मनी है। ओ जालिम जमाने ये क्या दिल लगी है, अजब दोस्ती है। आप कारोबार क्या करते हैं? बेकार बेकार, लेकिन आप बेकार नजर तो नहीं आते। इतना बड़ा बंगला, ये सजधज, ये सोने चांदी के बर्तन, कुछ तो कारोबार करते होंगे जी। अल्लाह का दिया सब कुछ है, बुजुर्गों ने काफी जायदाद छोड़ी, उसमें हमने थोड़ा सा इजाफा कर दिया है। देखिए ना, ज्यादा लालच की क्या जरूरत, एक मैं हूँ और एक बेटी है और ये सब कुछ उसी का है। बस बस, मैं समझ गया, हमें पसंद है। भैया, लड़की के बाप की सारी जायदाद आपको पसंद है। सेठ साहब, आपको तो इस शादी पे कोई एतराज नहीं? जी नहीं, मुझे क्या एतराज है, बल्कि मुझे तो खुशी है कि इस शादी में आप भी शामिल हो रहे हैं। साहब, मेरी एक शर्त है। ना ना, बस देखिए देखिए बस, और वो ये है कि सारी रस्में मेरे घर पर अदा हो। मेरा एक ही बेटा है। सोच लीजिए, एक ही तरफ खर्चा ज्यादा पड़ जाएगा। नहीं नहीं, वो करेंगे ऐसी बात। अच्छा, वो खुद करेंगे? हम कर लेंगे। हेलो हेलो अंकल, अंकल मुबारक हो। सलामत। हेलो वकील साहब। हेलो, हाउ आर यू? मुबारक सर जी। आइए डॉक्टर साहब, मिजाज अच्छे हैं। आपको ये खुशी मुबारक हो। शुक्रिया सर साहब। इंस्पेक्टर साहब आए। इंस्पेक्टर साहब आइए आइए, इनके लिए कुछ ठंडा अंडा लाओ। तशरीफ रखिए। माफ कीजिएगा सेठ साहब, आपको मेरे साथ थाने चलना होगा। थाने? वो किस लिए? इंस्पेक्टर साहब, हमारे अंकल और थाने, ये हो ही नहीं सकता। हालांकि हमें इतला मिली है कि नूरी की मौत में आपका हाथ है। नूरी? मैंने किसी नूरी का खून नहीं किया। वकील साहब, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता सेठ साहब, ये पुलिस केस है। पुलिस केस हो या ना हो, हमारे सेठ साहब शहर के बहुत बड़े आदमी हैं। यू मस्ट डू समथिंग। आई एम सॉरी,
नथिंग कैन बी डन। क्या इंस्पेक्टर साहब, बड़ी मुद्दत के बाद मेरी खुशी पूरी हो रही है। आज मेरे बेटे की शादी है, खुदा रा मुझ पर रहम कीजिए। कानून का किसी ब्याह शादी से कोई तल्लक नहीं, आपको मेरे साथ चलना होगा। चले जाइए। वकील साहब, पुलिस मुझे ले जा रही है, खुदा रा मेरी जान बचा लीजिए। मैं आपकी झोली भर दूंगा, आपको सोने में तोल दूंगा। सेठ साहब, फांसी की रस्सी सोने की छुरी से नहीं कट सकती। रेगिस्तानों में भटका हुआ प्यासा सोने से अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। और कुदरत का इंसाफ देखिए, दुनिया भर की दौलत होने के बावजूद इंसान एक छोटी सी खुशी नहीं खरीद सकता। आप मुझे सोने चांदी में क्या तोलेंगे? मेरी मदद करो। अरे मैंने अपने बच्चों की खुशियां नीलाम करके तुमसे प्यार किया, इस वक्त क्या तुम मुझे फांसी के तख्ते से नहीं बचाओगे? पुलिस मेरा पीछा कर रही है, फांसी का तख्ता मेरा इंतजार कर रहा है। अरे सुनते हो? अरे सुनते हो? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? अरे मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? क्या इस वक्त तुम मेरी जान नहीं दोगे? मैं अंधा था जो बेकसूर गरीबों का खून चूस कर तुम्हें पिलाता रहा। अरे मैं ही अंधा था, लेकिन तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम मेरे दुश्मन हो। अरे मैं तुम सब पर कुचल दूंगा, मैं कुचल दूंगा। ये तुम्हारा फादर इनला कहां चला गया? अंकल, अंकल दरवाजा खोलिए। पुलिस। अरे तुम समझते हो शेख हलीम की इज्जत को नीलाम कर दोगे? शेख हलीम की इज्जत को कोई नीलाम नहीं कर सकता, कोई नहीं छू सकता। थोड़ा दो थोड़ा अंकल, ये क्या कर रहे हैं आप? अंकल अंकल, इंस्पेक्टर साहब, ये लीजिए आपकी अमानत। आ जाए अंकल, आ जाए। कोई बात नहीं, चलिए सर साहब, देर हो रही है। वकील साहब, वकील साहब, अब्बा जान को बचा लीजिए। चलिए इंस्पेक्टर, सेठ हजीम ने किसी का खून नहीं किया। हमें शक है कि इन्होंने नूरी का खून किया। जी नहीं, नूरी जिंदा है। क्या नूरी जिंदा है? जी हाँ। ये रही नूरी। जी हाँ, यही है नूरी। इसने मेरा पागलपन दूर किया और मैंने इसे बेटी बना ली। तो इनकी मौत की खबर गलत है? माफी चाहता। वकील साहब, वकील साहब, आप इंसान नहीं फरिश्ता है। आपने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी और मुझे मौत के मुंह से बचाया। मैंने तुम्हें तो मौत के मुंह से बचा लिया है सेठ हजीम, लेकिन अपनी गरीब माँ की गर्दन को तुम्हारी रस्सी से नहीं बचा सका। या आप क्या कह रहे हैं वकील साहब? याद करो सेठ, मैं तुम्हें एक बहुत पुरानी कहानी याद दिला रहा हूं। ईद के दिन तुमने किस गरीब का खून किया था? खून? मैंने किसी का खून नहीं किया। जल्लाद को शहीदों के नाम याद नहीं रहते। साबरा की हैसियत तुम्हारी नजर में एक मामूली कीड़े से ज्यादा और क्या थी? साबरा? लेकिन उससे आपका क्या ताल्लुक? वही ताल्लुक है सेठ, जो एक माँ का अपने बेटे से। ये देखो। हाँ,
अकबर जो 10 साल बाद अपनी माँ को सहारा देने आया था लेकिन अपनी माँ के जनाजे को कांधा देकर रह गया। तुमने मेरी माँ का खून किया है सेठ? खून? मैंने किसी का खून नहीं किया। साबरा की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं। मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार तुम हो सेठ। तुमने उसे धोखा दिया, कुर्की लेकर उसके मकान पर गए, अपनी चालबाजी से उसका घर छीना, भरे बाजार में उसके सर से चादर उतारी, उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया। लोगों, ये वो दरिंदा है जिसके कदमों पर मेरी बूढ़ी मां गिरकर गिड़गिड़ाती रही, कर्ज अदा करने के लिए 1 घंटे की मोहलत मांगती रही, लेकिन मेरी गरीब बूढ़ी मां के आंसू इस पत्थर को मौन नहीं कर सके। इसने अपने हक में फैसला दिलाकर मेरी मां के घर पर कब्जा कर दिया। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, उसने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। लेकिन अगर तुम इंसाफ वाले हो तो इंसाफ करो। मेरी मां का कातिल इस दरिंदे के बजाय कौन? सेठ अदीम, आज तुम्हें नई जिंदगी मिली है, तो आज तुम्हें एहसास हुआ है कि जिंदगी हर एक को प्यारी होती है। क्या मेरी मां की जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी? जिंदा रहने का हक अमीर ही को नहीं से गरीब को भी है। जिस हक को तुम दौलत वालों ने अपना लिया, तुमने अपनी दौलत और झूठी इज्जत की खातिर अपने बेटे को घर से निकाला, लेकिन ये भूल गए कि दौलत ही सब कुछ नहीं होती। तुम दौलत के नशे में खुदा बन बैठे थे। खुदा ने तुम्हारे गुरूर का सर नीचा करने के लिए सेठ तुम्हारी बेटी को मुझसे मिलाया। और सुनो, मैंने तुम्हारी बेटी से जिंदगी के सुख हासिल करने के लिए शादी नहीं की थी। मुझे अपनी बीवी से बहुत प्यार है, ये मासूम है, बेगुनाह है, लेकिन मैं इस पर इसलिए जुल्म करता रहा कि इसे दुखी देखकर तुम्हारी आंखों में आंसू आए। सेठ, औलाद अमीर ही को नहीं गरीब को भी प्यारी होती है। क्या मैं अपनी मां के लिए असलम से और सलमा से कम था? लेकिन सेठ, अब मुझे कोई हम नहीं, मैंने अपना बदला ले लिया। मैंने तुम्हारी दौलत और खानदानी इज्जत के झूठे महल को एक ठोकर में गिरा दिया। आज तुम्हारे अपने घर की नौकरानी तुम्हारी खानदान की बहू है। आज उसी गरीब साबरा का बेटा अपने हाथों में तुम्हारी किस्मत का फैसला लिए खड़ा है। जाओ सेठ, मैंने अपनी मां की मौत का बदला ले लिया है। मैंने बदला ले लिया है सेठ। मेरी जगह आपके कदमों में, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मुझे नई जिंदगी अकबर ने दी है, इसके बगैर मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। नहीं, खुदा के लिए तुम सब न जाओ अकबर बेटे, खुदा के लिए रुक जाओ। यकीन करो कि अब ये घर मेरा घर नहीं है, ये तुम सबका घर है। यकीन करो, मेरा इस पर कोई हक नहीं। अकबर, मैं सच कहता हूँ, आज से हम सब एक, हमारे दिल एक हैं, हमारे रास्ते एक हैं, हमारी दुनिया एक है। आज मैं अपने आप को दुनिया का खुश नसीब बाप समझता हूँ, इसलिए कि मेरे बेटे को नूरी जैसी बीवी मिली और मेरी बेटी को अकबर जैसा शौहर मिला। अकबर, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफें दी हैं। तुम अपनी अजीम माँ के सदके में मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पाप कह दो बेटे, कह दो कि तुम नहीं जाओगे, कह दो नहीं जाओगे। हेलो अंकल, आप तो बदल गए हैं, अब इसे भी जरा बदल लीजिए। हाँ जोली, ये हमारी बेअसूली की निशानी थी, अब ये हमारी उसूल की निशानी होगी। हालांकि मुरझाए हुए फूलों की कसम, मुरझाए हुए फूलों
की कसम इस देश में फिर ना आऊंगा ना आऊंगा। मुरझाए हुए फूलों की कसम इस देश में फिर ना आऊंगा ना आऊंगा। मालिक ने अगर भेजा भी मुझे, मालिक ने अगर भेजा भी मुझे, मैं राहों में खो जाऊंगा इस देश में फिर ना आऊंगा ना आऊंगा। हर जख्म छुपाया सीने का, इस जुर्म में जालिम दुनिया ने हक छीन लिया है जीने का। सीने से लगा कर दुख सारे इस महफिल से उठ जाऊंगा इस देश में फिर ना आऊंगा ना आऊंगा। तो यहाँ उम्मीद बंधी, रातों तो यहाँ उम्मीद बंधी, और सुबह सहारे टूट गए कितने ही यहाँ। सूरज डूबे कितने ही सितारे टूट गए, मेरे गीत सुनेगा कौन यहाँ। टूटा दिल किसे दिखाऊंगा इस देश में फिर ना आऊंगा ना आऊंगा। बुझाने से पहले आशा के दीप बुझा दूंगा, जो सांस दिए हैं मालिक ने वो सांस उसे लौटा दूंगा। यहाँ लोग लुटेरे बसते हैं, मैं अब अपनों में जाऊंगा इस देश में फिर ना आऊंगा ना आऊंगा ना आऊंगा।